हेलो नमस्कार, एक्शन बॉलीवुड म्यूजिक में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए इस वीडियो में मैं आज आपको एक स्वरज्ञान अलंकार बताता हूँ और एक टेक्निक बताता हूँ कि हमें स्वरों का नॉलेज किस प्रकार हो, ठीक है, और उसको हम कैसे प्रैक्टिस करें। तो वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक ध्यान से देखें ताकि इसको अच्छे से समझ सकें और जो अलंकार मैं आपको बता रहा हूँ इसको भी प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। ये अलंकार हमारा राग यमन में है और ये हमारा पार्ट 3 होगा। इसके 2 पार्ट मैंने ऑलरेडी डाल रखे हैं और ये अलंकार हमारा स्वरज्ञान अलंकार है, ठीक है। तो उन दोनों पार्ट को आप प्रैक्टिस करें और इसको भी प्रैक्टिस करें तो क्या होगा कि बहुत सारी सरगम आपके पास पहुंच जाएगी और आप उसको जब कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहेंगे तो सुरों का नॉलेज ऑटोमेटिकली आपको होने लगेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हर वीडियो आपको मिले और आपसे देखकर प्रैक्टिस करते रहें। ये अलंकार मैं सी शार्प से बता रहा हूँ। जिस प्रकार मैंने अभी आपको सरगम गाकर दिखाया है बिल्कुल आप भी इसी प्रकार गाएंगे जब इसको प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ये छोटी छोटी टिप्स मैं आपको देता हूँ और इन सबको आप फॉलो करें, प्रैक्टिस करें तो आप ज़रूर अच्छा कर पाएंगे। और अगर आपसे ये सब नहीं होता है और आवाज़ में प्रॉब्लम है तो आप मुझसे बात करें, मेरे पास कॉल करें और विधिवत सीखें। क्या होता है कि हम अपनी मर्जी से जब अपनी मर्जी के मालिक बन के रह जाते हैं तो हम कुछ भी नहीं कर पाते, हमारे अंदर इतना एटीट्यूड आ जाता है, हम सोचते हैं सब कुछ हम कर लेंगे, लेकिन म्यूजिक जो है, जो संगीत है, ये बिना गुरु के आता ही नहीं है। चाहे हम इसमें कितने भी समय तक लगे रहें, जब इसमें बहुत समय तक हम लगे रहेंगे कुछ ना कुछ तो हमें आएगा ज़रूर, पर हम प्रॉपर इसमें कॉन्फिडेंस के साथ कुछ भी नहीं कर पाते। आइए देखते हैं ये अलंकार किस प्रकार आएगा। सा नी धा पा नी धा पा धा नी रे सा ये हमारा अलंकार है और ये हमारा अलंकार 3 ताल 16 मात्रा में निबद्ध है, ठीक है। तो ताल के साथ भी आप इसको कर सकते हैं लेकिन शुरू में नहीं, पहले आप इसको ऐसे ही प्रैक्टिस करें और धीरे धीरे उसमें स्पीड बढ़ाएं। अभी मैंने बहुत ही स्लो में आपको करके बताया है, बिल्कुल इसी स्पीड में आप इसको प्रैक्टिस करें और धीरे धीरे इसमें स्पीड बढ़ाएं। जितना आप स्पीड बढ़ाएंगे उतना अच्छा आपको स्वरों का नॉलेज होगा, ठीक है। फिर से देखते हैं एक बार सा। इस बार मैं थोड़ा स्पीड में आपको बताऊंगा लेकिन आप स्पीड नहीं बढ़ाएंगे। सा ठीक है। तो इस प्रकार आप इसको प्रैक्टिस करें,
ये हमारा पार्ट 3 होगा। इसके दो पार्ट मैंने ऑलरेडी डाल रखे हैं, उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और ताकि आप उन सबसे पहले उन पार्टों का प्रैक्टिस करें, तीनों पार्ट को अच्छे से तैयार करें। और ये खाली राग यमन ही नहीं, मैंने हर राग में, मेरे ख्याल से हर राग तो नहीं कहूँगा क्योंकि बहुत सारे राग हैं, मैंने करीब 10 रागों में, जो हमारे जेनरली राग हैं उनमें मैंने 10ों रागों में ऐसे अलंकार बनाकर डाल रखे हैं। आप इनका खूब प्रैक्टिस करें, आपको स्वरों का नॉलेज बहुत अच्छा होगा और बहुत अच्छी आप हारमोनियम बजाएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।